एक घंटे की पैरोल मिलनी ये ना इंसाफी है, एक मनुखी अधिकारां दी उलंघना है। जिहड़ी पैरोल दी है ये ना होना बराबर, चलो असीं ये कल्ले चलो उन्हां दा आउणा होया पर घट्टो घट्ट एक दिन की चाहीदी सी। अरविंद केजरीवाल की सरकार इसे बिना तो उन्होंने ठकराएगी कि इन्हों का जो केस आ जे वो सुप्रीम कोर्ट पेंड है। इस वेले की बड़ी खबर सामने आ रही है कि बलवंत सिंह राजोणा अपने पिता की भोग च शामिल होने लई अज 27 साल बाद जेल चो बाहर आए ने। जी हाँ, लुधियाना विखे अपने पिता दियाँ भोग दियाँ रस्मां दे विच शामिल होने लई बलवंत सिंह राजोणा जेल चो बाहर आए ने। उन्होंने पिछले दिन हाई कोर्ट के वलों पिता के भोग च शामिल होने लई मंजूरी दी गई सी। तस्वीरां च देखा जा सकता है कि बलवंत सिंह राजोणा अपने पिता के भोग च शामिल होने लई पहुंच चुके ने। वह गुरुद्वारा साहिब च नतमस्तक हो रहे ने अते इस दौरान वह काफी भावुक होंदे हुए भी नजर आ रहे ने। तुहानू दस दी कि पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री बेअंत सिंह दे कतल दे मामले च फांसी दी सजा दा सामना कर रहे बलवंत सिंह राजोआणा नू हाई कोर्ट ने अपने पिता दे भोग च शामिल होण दी पिछले दिन इजाजत दित्ती सी, जिस तों बाद बलवंत सिंह राजोआणा लुधियाना दे पिंड राजोआणा च अपने पिता दे भोग च शामिल होण लई पहुंचे ने। ये भी दस दिए कि बलवंत सिंह राजोआणा नू पुलिस वल्लों सख्त सुरक्षा दे पुख्ता प्रबंधा दे हेठ पिता दे भोग ते लिआंदा गया है। बहुत दुख की घड़ी है, अकाल चलाना करके ने भाई बलवंत सिंह राजोआणा साहब दे फादर साहब, एक घंटे की पैरोल मिलनी ये ना इंसाफी है, एक मनुखी अधिकारां दी उलंघना, क्योंकि जो ये दुख की घड़ी च कोई आउंदा है आपां सारे उन्हां दे दुख दर्द बढ़ाउण आए हैं तो दूरों नेड़े आउंदा, इस करके उन्हां नाल फतेह भी सांझनी एक घंटे च हो सकदी, संगतां नाल मिलना परिवार नूं दुख सुख सांझे करने ये दुख का समा हुंदा। तो जिहड़ी पैरोल दित्ती है ये ना होना बराबर, चलो असीं ये कल्ले चलो उन्हां दा आउणा होया पर घट्टो घट्ट एक दिन की चाहीदी सी, असीं इस गल तो संतुष्ट नहीं है एक घंटे की पैरोल तो। चलो असीं ये भी करदे हां भी तकरीबन 26-27 साल बाद घर वापसी आ रही है, आ रहे हैं अपनी घर आ रहे सज्जन मित्रां च आ रहे हैं, परिवार को मिलणगे खुल के, उत्थे पाबंदियां ने क्योंकि वो पिछले 15 साल तो पटियाला दी जेल दे विच जिहड़ी जेल है उहदे च जिहड़ी फांसी की कोठी कहिंदे हुंदे आ उहनूं उहदे च बंद ने, वो आम खुला नहीं उन्होंने छड्डदे हुंदे जिहड़ी जिहनूं फांसी होवे, उस लई इह जद्दोजहद कर रहे कि भाई साहब की फांसी है जिहड़ी वो टुटे तो उम्र कैद तब्दील होवे तो इन्हां नूं परोल मिले। हाँ, असी बंदी सिंह रिहाई मोर्चा 2012 चो जिन्हें भी सज़ा पूरी कर चुके सिंह ने उन्हां दी रिहाई लई असी अज भी तत्पर हां, तो लगातार संघर्ष चल रहा, असी जागरूक समय समय से अदालती लड़ाई तो संगतां दे विच संघर्ष नूं लैके जांदे, अदालती लड़ाई भी असी सुप्रीम कोर्ट 2012 चले गए सी लेके, उस तों पहलां जिहड़ी लड़ाई लड़ी है तकरीबन 20 साल असी लड़ी है चंडीगढ़ जी लोअर कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट च, उस बाद 2012 च सुप्रीम कोर्ट चले गई सी, ये लगातार लड़ाई जारी है। वो तो देखो ज 9 दिसंबर 2021 जदों 9 नवंबर 2021 जदों टुट गई है जी मनिंदरजीत बिट्टे ने पाई सी पटीशन उन्हां दी रिहाई के विरोध जी, पहला जो 2019 5.5 साल से मोदी साहब आए थे उन्होंने इस गल का संघर्ष छड्डण का ऐलान किया, उसके विरोध के बेअंत सिंह परिवार तो मनिंदरजीत बिट्टा, उस मनिंदरजीत बिट्टा जो सुप्रीम कोर्ट चले गए उन्होंने पटीशन पाती थी, 9 नवंबर 2021 वो पटीशन है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करती है, उसके बाद फौरन बाद जी है वो मैरिट ते आ गई भाई भुल्लर साहब का केस, क्योंकि उन्होंने छड्डना बनता, इसकी मीटिंग होंदी हुंदी है, उस तो पहले 3 बार अरविंद केजरीवाल की सरकार इसे बिना तो उन्होंने ठकराएगी कि इन्हों का जो केस आ जे वो सुप्रीम कोर्ट च पेंड है पटीशन। दस दी कि बलवंत सिंह राजोआणा नू अपने पिता दे भोग च शामिल होने लई सिर्फ एक घंटा
दिता गया है। एक बार फिर तो दस दी कि बलवंत सिंह राजोआणा 27 साल बाद जेल तो बाहर आए ने ते उन्हां वल्लों अपने पिता दे भोग दीआं रस्मां कीतीआं जा रहीआं ने। लुधियाणा तो लखविंदर सिंह, पंजाबी लोक चैनल।